आइए आज समता आवाज टीवी चैनल की तरफ से आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। और मैं आप मेरे समता आवाज चैनल में अपना परिचय दीजिएगा। मैं केसी सरोज गुरु आईएएस और मैं रोटी कैडर से काम करता हूँ। 2016 में कॉपी तब से मैं इलाहाबाद में अशोक नगर में सेटल हुआ। चलिए आज सरोज जी से जानते हैं कि इस कैटर के बारे में जो ओबीसी एससी एसटी एनआरटी के लिए ये आज कार्यक्रम रखा गया है, इस पे अपना विचार बताएं। आज का मुख्य विषय है जो इस महापंचायत में किया जा रहा है, बौद्धिक चिंतन और संविधान बचाने के उपाय। कैसे हम संविधान को बचा सकते हैं? बौद्धिक चिंतन के अंतर्गत हम अपनी रूढ़िवादी समाज से ऊपर उठकर एक समता मूलक समाज बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जो असमानता के बेसिस पर समाज का संगठन हुआ है वो बहुत ही अनैतिक और अधार्मिक कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ मानव एक दूसरे मानव का अपमान करता, सम्मान न करता, समान बैठने का और उन्नत करने और विकास करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसलिए सबसे बहुत जरूरी चीज है कि हम सब मानव एक समान हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई जात पात नहीं, कोई धर्म की बात नहीं यहाँ होनी चाहिए। और विकास की भी बात होनी चाहिए, विकास के लिए हमें शिक्षा का महत्व समझना चाहिए। तो बिना शिक्षा के हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर शिक्षा है तो शिक्षा से हमें शक्ति मिलेगी। शक्ति मीन्स बाबा साहब के कहे द्वारा संगठन बनता है, वही शक्ति है हमारी। और उस शक्ति से हम सत्ता तक पहुँचने की कोशिश करते हैं और सत्ता मिलने के बाद हमारी समृद्धि अपने आप आ जाएगी। इसलिए मूल जड़ मूल मंत्र शिक्षा है और मैं इसी के लिए हमेशा शिक्षा के विषय में बातें करता हूँ कि हर व्यक्ति जब तक शिक्षित नहीं होगा, ब्राह्मणवाद मनुवाद के द्वारा फैलाए गए कुविचार पाखंड और जितने भी अनर्गल काम हो रहे हैं समाज में, अशिक्षा की वजह अज्ञानता की वजह से हो रहा है। जिस दिन हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, हम तर्क करना शुरू करते हैं कि ये चीजें अगर ब्राह्मणों ने मनुवाद में एक स्थापित किया है तो कहाँ तक वो स्थिर है, कहाँ तक वो सच है, कहाँ तक वो झूठा है। तो अंत में हमें तर्क के आधार पर पता चलता है कि जितनी भी व्याख्याएं वेद पुराण महाभारत से लिखे गए हैं, कपोल कल्पित कथाएं हैं, ये मनोरंजन के लिए है ये, और इसके सिवा कुछ नहीं है। इसमें मानव विकास कुछ भी नहीं हो सकता है। न तो मंदिर जाने से विकास होगा, न तो धर्म के पालन करने से विकास होगा, न छुआछूत और पाखंड मानने से आपका विकास होगा। विकास होगा तो शिक्षा के माध्यम से। विज्ञान का युग है, इस युग में आपको शिक्षा का महत्व समझना चाहिए और बिना शिक्षा के कुछ भी नहीं हो सकता। विषय है उसके अनुसार सेकंड पार्ट है संविधान को बचाने सुरक्षित रखने की। वो क्या रहा है आज देश में कि संविधान के खत्म करने की चेष्टा की जा रही है। वैसे तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ऐसी व्यवस्था संविधान में कर दी है कि आर्टिकल 13 के अंतर्गत कोई भी संविधान को छू तक नहीं सकता, मिटाने की सोचना बहुत दूर की बात है। क्योंकि आर्टिकल 13 में सिर्फ यही लिखा गया है कि जिस दिन से संविधान लागू होगा उस दिन से जितनी परंपराएं, जितनी कीमतियाँ, जितने कानून पहले के थे सब शून्य घोषित हो जाएंगे, स्वतः में घोषित हो जाएंगे। और इसमें आर्टिकल 13 के अंतर्गत भी जो भी पार्लियामेंट में कानून पास होगा, विधानसभाओं में कानून पास होगा, उसका जुडिशियल रिव्यू का पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दिया गया। जब तक हमारा सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज इंश्योर्ड, नोबडी कैन टच डिमोलिशन ऑफ आवर दिस ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशन। और ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बहुत बड़ा शक्तिशाली है, स्वतः में अपने परिपूर्ण है। अगर इस संविधान के अनुसार चला जाए, संविधान के अनुसार देश को चलाया जाए, तो हमारे ख्याल से समाज में समता आ जाएगी, विकास इतनी आएगा कि अमेरिका भी कहीं नहीं ठहर पाए। लेकिन आज असमानता के कारण हम आपस में ही लड़ते भिड़ते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, चमार पासी करते रहते हैं, ब्राह्मण ठाकुर करते रहते हैं, इसी में हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है और अंत में हमें मिलता कुछ नहीं है। इसलिए संविधान को बचाने के लिए हमें उतना प्रयास नहीं करना चाहिए जितना हमें पाखंड को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, अंधविश्वास को दूर करने का प्रयास करना चाहिए।
और शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए, इसी में हम सबकी भलाई और देश की भलाई और नागरिकों की भलाई समाज। तो आज मैं समता चैनल टीवी चैनल पे मैं सरोज जी से इनका विचार लिया, तो इनका कहना है शिक्षित बनिए और संगठित बनिए, शासक बनिए, तो आप एक बन सकते हैं, तभी जब आपके पास शिक्षा होगा और संगठित होंगे तभी आप शासक बन सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।